how do I start my CET preparation and how much time should I spend on each section in terms of the preparation, we'll be discussing this video. So if you're targeting for the CET 2023, ideal time for the examination is nothing but March month. And as per the CET official, एग्जाम आपका ऑन टाइम इस बार होने वाला है, तो मार्च मंथ का टाइम लेके चलो. अगर लेट हुआ तो मैक्सिमम एक्सटेंड होगा अप्रैल, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा आपका टाइम. ठीक है, सो दोज हु हैव ऑलरेडी अपीयर फॉर द कैट एंड स्नैप एग्जामिनेशन, दे मस्ट बी डन विद देयर सम ऑफ द प्रिपरेशन. पेपर आपका शायद अच्छा नहीं गया होगा, सो बिकॉज इस साल का पेपर भी टफ था नो डाउट, सो उसको अभी साइड करते हैं. फ्रेश माइंड से सी टी पर फोकस करते हैं. सी टी एग्ज़ाम आपको दूसरे एग्जाम से अलग मिलेगा, लाइक कैट और सी टी ऑल टुगेदर डिफरेंट एग्जाम है. ठीक है, सिलेबस वाइज कुछ टॉपिक सेम है, कुछ सिलेबस का पार्ट सेम है, बट कुछ सिलेबस आपको अलग से सी टी में प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, सो सी टी इज़ ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. अगर अपने को लॉजिक आता है तो हम सी टी में फोड़ेंगे. दूसरा, सी टी में भागना है, सी टी इज़ ऑल अबाउट स्पीड. अगर आपको इफ़ यू नो द शॉर्टकट देन यू कैन क्रैक द सी टी विद द गुड स्कोर. ठीक है, तो सी टी स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, मैं ऑल टाइम सजेस्ट करता हूँ कि इजी वाले सेक्शन से चालू करो, सो दैट अपना कंफर्ट, अपना कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा. और सीईटी में लॉजिक का सेक्शन इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है. 100 क्वेश्चन लॉजिक के आएंगे, 25 आपके आएंगे एब्स्ट्रैक्ट के, 75 आपके प्रॉपर लॉजिक, जिसके अंदर आपका रफली 30 क्वेश्चन पजल वाले, अरेंजमेंट वाले, एनालिटिकल लॉजिक इसको हम बोलते हैं, रफली 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे ट्रेडिशनल लॉजिक, जो प्योर लॉजिकल पार्ट है आपका. ठीक है, जिसके अंदर आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजम हो गया. ठीक है, और आपका 15 क्वेश्चन रफली आपके क्रिटिकल से होने वाले हैं. ठीक है, तो ये रफ ब्रेकअप है, 75 क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल एंड 25 एब्स्ट्रैक्ट, 50 आपका इंग्लिश होने वाला है, 50 क्वांट. ठीक है, क्वांट के अंदर भी रफली 25 क्वेश्चन ऑफ DI, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे सीरीज वाले, और रफली 18-20 क्वेश्चन आपके प्योर मैथ्स होने वाले हैं. ये पूरा ब्रेकअप दे दिया मैंने आपको सी टी के सिलेबस का. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट फॉर ईच सेक्शन. वीकडे एंड वीकेंड के हिसाब से भी देखेंगे कितना टाइम डिवोट करना है. ठीक है, सो 2 आवर ऑन डेली बेसिस आई रिकमेंड लॉजिक को दो, बिकॉज 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के लिए लॉजिक से आने वाले हैं. 2 घंटा डेली का लॉजिक को लेके, बाकी आपका 1 आवर का न्यूज़पेपर रीडिंग, एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू, ऑल टाइम आई एडवाइज, या तो फिर अगर इंग्लिश आपकी वीक है सो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो, लेटर ऑन यू कैन स्विच टू द हिंदू. ठीक है, वोकैब वर्ड पावर मेड इज, बिकॉज एंटोनियम सिनोनियम्स फिल इन द ब्लैंक सब जगह पे वोकैब वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आने वाले हैं. सो वर्ड पावर मेड इज 30 मिनट्स डेली बेसिस पे, मतलब 25-20 मिनट्स में हो जाएगा फॉर वन सेशन. अप्रॉक्सिमेटली 45 सेशंस हैं. ठीक है, तो आपको मेक श्योर 25-30 मिनट्स में करना चालू किया आपने. आज से अगर आपने चालू किया, जिस दिन मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो, आराम से 2.5 महीने में हो जाएगा, मतलब 15 मार्च के पहले आप खत्म कर लोगे. ठीक है, तो आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर अच्छा आएगा. वेदर यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और एनी अदर मीडियम, डजंट मैटर, बट अगर आपने वोकैब पे काम किया तो मार्क्स मिलेगा, आपने ग्रामर पे काम किया तो मार्क्स मिलेगा. ठीक है, ग्रामर को लेके 15 मिनट देना है आपके मेनूअर के डैशबोर्ड पे, सारे हैंडआउट, सारे वीडियोस, काइंडली गो थ्रू इट. ओके, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 आरसी डेली बेसिस पे सॉल्व करना. 1 आरसी सॉल्व करने के लिए 5-6 मिनट, अगर आरसी बड़ा है तो 7 मिनट का टाइम मैक्सिमम हो गया, और उसकी एनालिसिस. ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, तो 15 मिनट का टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट. आरसी को सॉल्व करना, आंसर मार्क करना और उसके एनालिसिस करना, एंड डेली बेसिस पर ट्रैक करो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना लेवल पे इंप्रूव हो रहा है. एडिटोरियल पढ़ने का फायदा इंग्लिश का यही है, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो, आपका रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल सब चीज़ डेवलप होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सीईटी में आपको बहुत सारे डेटा पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ के डिकोड भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, तो स्पीड लगेगी और ये हैबिट आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी. तो 2 घंटा ओवरऑल ये इंग्लिश की प्रिपरेशन में, न्यूज़पेपर, वोकैब, ग्रामर एंड आरसी, 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा आपका लॉजिक है, 4 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने हैं. ठीक है, नाउ वीकेंड पे आपको मैथ्स का एक टॉपिक आप कर लो, 3-4 घंटे दे के आपका हो जाएगा. अगर वो टॉपिक आप वीकेंड पे सैटरडे संडे करने वाले तो कोशिश करो कि उसका थियरी पार्ट, बेसिक पार्ट एटलीस्ट वीकडे में मैं खत्म कर दूँ, इफ़ यू गेट टाइम. ठीक है, तो 3-4 घंटा अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो सीटी निकाल पाओगे, अच्छा तरीके से अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है, इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है हर एक एक टॉपिक, उसका मैनुअल के पोर्टल पे सारे वीडियोस हैं, या लेक्चर्स इफ़ यू हैव जॉइन मैनुअल क्लासरूम और लाइव, तो लेक्चर्स के भी रिकॉर्डेड फॉर्म यू विल बी गेटिंग, तो वो देख के ख़त्म करो. बेसिकली एक एक टॉपिक एवरी वीकेंड ख़त्म करना अपने को इंग्लिश का, सो आराम से अपने को फैब तक पूरी प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश की ख़त्म हो जाएगी. लॉजिक भी मेजर आप ख़त्म कर लोगे एंड मैथ्स भी हो ही जाएगा. तो उसके बाद आपको मॉक चालू करना है. मॉक जिस दिन आपका सीडी का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, फॉर्म फिलिंग चालू होगा, उस दिन हम मॉक्स चालू करेंगे, तो उस दिन पहला मॉक लिखेंगे अपन.
ठीक है. सो मोस्टली बाई नेक्स्ट वीक यू विल बी गेटिंग द एम बी एस सी टी मॉक टेस्ट ऑन योर पोर्टल. सो मॉक लॉन्च हो जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट ओनली मॉक टेस्ट तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मॉक टेस्ट का, यू कैन चेक इट आउट. टॉपिक टेस्ट के मॉक ऑलरेडी लॉन्च है, ठीक है. सो सी ई टी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दो चार पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो. सबसे पहले स्पीड डेवलप करनी है, ठीक है, हर सेक्शन को लेकर के. इंग्लिश में आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स को लेकर के आपका ट्रिक शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, लॉजिक को लेकर ट्रिक शॉर्टकट पता होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑप्शन पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी सी ई टी में. एंड आफ्टर देन कॉम्पिटिशन सी ई टी में ज़्यादा है. सो ये आप ध्यान में रखो कि अच्छा स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल ही है, तो स्कोर उतने ही लेवल पे लाना पड़ेगा. आउट ऑफ 200 140 प्लस 150 प्लस का स्कोर टारगेट लेके चलो, इतना स्कोर लाना ही अपने को, ठीक है. सो दैट वी एंड अप विद द टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5, टॉप 10 कॉलेजेस फॉर MBA प्रोग्राम. सो फॉर एनी असिस्टेंट, एनी गाइडेंस और प्रिपरेशन को लेके अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है लाइव क्लास के लिए, आप इधर कॉल कर लो, ठीक है. एंड इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड, दादर बुरियल एंड वसई यू कैन विजिट फॉर द क्लासरूम कोचिंग. सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, डू चेक इट. इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर द बुक्स, यू वॉन्ट टू जॉइन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल प्रोग्राम, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डू चेक इट. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट एंड क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.